यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो पिछले कई दिनों से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 13वां दिन है। सफाई नहीं होने के कारण जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। पुलिस और नगरपालिका अधिकारियों की मौजूदगी में कूड़ा उठवाने का काम किया जा रहा है, तो हड़ताल पर बैठे कर्मचारी लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। वहीं बावल में नगरपालिका के प्रधान सचिव और पुलिस की मौजूदगी में कूड़ा उठवाने का काम चल रहा था, लेकिन कूड़ा उठाने की सूचना पाकर सभी सफाईकर्मी इकट्ठे हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसके कारण कर्मचारियों के भारी विरोध को देखते हुए सफाई कार्य को बीच में ही छोड़ना पड़ा। तो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 13वां दिन है। पिछले 12 दिनों से लगातार सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और 13वें दिन भी उनकी हड़ताल लगातार जारी है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से सफाई अभियान चलाया जा रहा है, बीजेपी के कुछ लोग सफाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी खलल डाल रहे हैं सफाई कर्मचारी। तो ना वो सफाई होने दे रहे हैं, ना खुद सफाई कर रहे हैं, जिसके चलते सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से नारेबाजी सरकार के खिलाफ की जा रही है, और साथ ही अब आम जनता को कहीं ना कहीं बीमारियों का डर सताने लगा है। कोई बड़ी महामारी ना फैल जाए उनके क्षेत्र में, इसका डर भी आम जनता को सताने लगा है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है। हड़ताल पिछले 12 दिनों से लगातार जारी है, आज हड़ताल का 13वां दिन है।